हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ फोन पे का अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फोन पे का अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, देन जब आपका फोन पे का अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसमें आप बैंक अकाउंट नंबर को किस प्रकार से ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड हो जाएगा उसके बाद अगर अपना बैंक का बैलेंस चेकआउट करना चाहते हैं या फिर किसी व्यक्ति के पास पैसा भेजना चाहते हैं वो किस प्रकार से भेजेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो के अंत में आपको एक बोनस टिप दूंगा जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से फोन पे के माध्यम से बिना किसी इन्वेस्टमेंट का पैसा किस प्रकार से कमाया जाता है, मैंने किस प्रकार से फोन पे के माध्यम से काफी सारा पैसा कमाया है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बोनस के टिप के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को भी आपको लाइक कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। तो फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं। सबसे ऊपर में ही आपके पास लिंक नजर आता होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर में, वहां पे जा करके आपको एप्लीकेशन आ जाएगा फोन पे का, वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आपके मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो यहां पे आपके होम पेज पर ही फोन पे एप्लीकेशन शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहां पे ऑलरेडी मैंने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूं, ठीक है। तो जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है तो सिंपल से आपको एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे सबसे पहले मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी मोबाइल नंबर पे आप यहां पे फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहां से आपको सेलेक्ट करना है, या फिर मैन्युअली तरीका भी यहां पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहां पे आपको फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नीचे देखिए नजर आता है प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। तो जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी ऑटोमेटिक यहां पे फेच कर लेगा। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देना है, जब भी आप अपना फोन पे अकाउंट क्रिएट करते होंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर आप यहां पे फिलअप कर रहे हैं वो सिम कार्ड इसी फोन में लगा होना चाहिए, तभी यहां पे आपका अकाउंट खुल पाएगा और आपका ओटीपी वगैरह वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे केस में जो मोबाइल नंबर यहां पे मैंने फिलअप किया हूं वो सिम इसी फोन में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहां पे प्रोसीड का ऑप्शन नजर आता होगा, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी ऑटोमेटिक यहां पे फेच कर लेगा। जैसे कि यहां पे देखिए फेच कर लिया है, उसके बाद देखिए ऊपर में यहां पे एक ओटीपी भी सेंड किया गया है, लेकिन जो ओटीपी होता है ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं फेच कर पा रहा है तो आप मैनुअली तरीका से फिलअप कीजिए। उसके बाद यहां पे परमिशन आपसे मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले यहां पे आपको वाइल यूजिंग द ऐप इस पर ही आपको क्लिक करना, परमिशन आपको देना है। उसके बाद यहां पे आपको कॉल और मैसेज का परमिशन मांगता है, तो यहां पे एलो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे परमिशन आपका सक्सेसफुल यहां पे हो जाता है। उसके बाद यहां पे देखिए आपका यहां पे एसएस मांग रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर का एसएस मांग रहा है, तो यहां पे आपको परमिशन देना होगा। तो चलिए यहां पे एलो पर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो फाइनली जो आपका अकाउंट था यहां पे क्रिएट हो चुका है। अब यहां पे आपका बैंक अकाउंट नंबर को आपको ऐड करना होगा, अकाउंट आपका मोबाइल नंबर से ही क्रिएट हो गया फोन पे में, अब यहां पे बैंक अकाउंट नंबर को आपको ऐड करना होगा। तो यहीं से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए काफी सारा बैंक है तो यहीं से आप ऐड कर सकते हैं, या तो फिर यहां पे देखिए ऊपर में स्किप का एक ऑप्शन नजर आता होगा, स्किप पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना फोन पे अकाउंट में लॉगिन होकर के वहां से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहीं से मैं आपको बता देता हूं यहीं से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर को किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहां पे आपको सर्च करना है, या फिर यहीं पे देखिए पॉपुलर बैंक में आपका बैंक का नाम शो हो जाता है, यहां पे ऑल बैंक में आपका बैंक का नाम मिल जाएगा, तो यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए। या तो फिर सबसे इजी तरीका ऊपर में देखिए सर्च बना नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपका बैंक का नाम होगा वो यहां पर आपको टाइप करना है। जैसे कि यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर मैं टाइप करता हूं, तो यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आ जाता है, या तो फिर यहीं पर देखिए सबसे ऊपर में ही मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे ओटीपी से यहां पे वेरीफाई वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक यहां पे हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे आपको परमिशन दे देना है, एलो एसएस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे सबसे पहले एक और एसएमएस का परमिशन मांगा जा रहा है, ताकि आपका बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे आपका यहां पे आपका ओटीपी वगैरह ऑटोमेटिक फेच कर ले, मतलब यहां पे फोन पे और आपका बैंक से यहां पे परमिशन मांगा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ओटीपी होता है आपका बैंक से ऑटोमेटिक यहां पे फेच कर लेगा, तो यहां पे आपको एलो पर क्लिक करना है, परमिशन देना है। तो देखिए यहां पे आपके पास मैसेज चला जाता है, देखिए यहां पे आपके पास आ जाता होगा। तो कुछ सेकंड यहां पे वेट करना है, वेट करने के बाद जो आपका बैंक का डिटेल होता है ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। यहां पे देखना जाता हूं, डियर मोबाइल नंबर यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, तो फाइनली यहां से रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर जो बैंक अकाउंट नंबर लिंक है एसबीआई का उसका डिटेल यहां पे आपका फेच कर लेता है। जैसे कि यहां पे देखिए फाउंड वन अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मैंने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर के साथ जो भी बैंक अकाउंट नंबर लिंक होता है
वो यहाँ पे शो हो जाता है। सबसे पहले बैंक का नाम यहाँ पे देख लीजिए, ब्रांच का नाम, नाम जो है मेरा बैंक अकाउंट में वो, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक की तरफ से एक आपका यूपीआई आईडी क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है उसी के अनुसार यहाँ पे एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर दिया जाता है। अगर आप इस यूपीआई आईडी को एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं या तो फिर इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं जब आप अपना फोन पे अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं सेम एज इसी प्रकार से रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे देखने जाता है प्रोसीड टू एड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका यहाँ से एड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन, अब यहाँ पे पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पिन आपको सेट करना होगा। उसके लिए सेट यूपीआई पिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसका डिटेल यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड, तो जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है वो अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जो भी आपका एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट होगा वो पहला बॉक्स में यहां पे आपको फिल अप करना है। देन जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसका एक्सपायरी डेट कब तक है, ठीक है, उसका वैलिडिटी कब तक है, वो नीचे यहां पे आपको फिल अप करना है। ये दोनों चीज आपका एटीएम कार्ड पर ही मिल जाएगा, तो जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है उससे आपको फिल अप करना है, या तो फिर अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होगा तो फिर आपके पास नीचे देखिए एक ऑप्शन आ जाता होगा डोंट हैव ए डेबिट एंड एटीएम कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर से ही आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होगा तो, लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद नीचे देखने जाता है प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आता है, ओटीपी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे सही का निशान नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए बोला जाता है, तो जो भी आप पिन रखना चाहते हैं अपना फोन पे अकाउंट का वो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फिलअप करना होगा। देन आपको सही के निशान पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से सेम पिन नंबर को आपको फिलअप करना है। देन आपको सही के निशान पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पिन था 6 डिजिट का जो आपने सेट किया वो सक्सेसफुली यहां से सेट हो जाता है और ऊपर में आपके पास एक मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। यहां पे देखिए अकाउंट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब यहां पे देखने जाता होगा सेंड ए 1 रुपये टू फ्रेंड, अगर आप किसी दोस्त के पास पैसा भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप अपना फोन पे का अकाउंट में सक्सेसफुली यहां से आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक बार देख लेना है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड हुआ है या नहीं। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए आपका प्रोफाइल नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे शो जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद जो भी आपका यूपीआई आईडी होता है वो यहाँ पे शो जाता है। नीचे देखिए बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी मैंने बैंक अकाउंट को ऐड किया है एसबीआई का वो यहाँ पे नजर आता होगा, देख सकते हैं प्राइमरी में। अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पे देखिए नजर आता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट और है, तीन है, चार है, तो उसका भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक ही बैंक अकाउंट नंबर आपको ऐड करके दिखाया हूँ, सेम एज अगर आपके पास और बैंक अकाउंट है तो उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ सब आपका सेटअप हो चुका है। चलिए अब यहाँ से आपको बैक कर लेना है। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस है वो किस प्रकार से चेक करेंगे, ठीक है। तो चेकआउट करने के लिए यहीं पर देखने जाता हूँ चेक बैलेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में ही आपका बैंक का नाम शो हो जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने 6 डिजिट का पिन बना करके रखा था उस पिन को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, सही के निशान पर आपको टिक मारना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक में बैलेंस होता है वो यहाँ पर शो हो जाता है, जैसे कि मेरे केस में देखिए अवेलेबल बैलेंस फीचर सक्सेसफुल, उसके बाद जो भी मेरे केस में बैलेंस है वो यहाँ पर शो रहा है। अब यहाँ पर डन पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया हूँ फोन पे का अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करना है, बैंक अकाउंट नंबर को किस प्रकार से ऐड करना है, बैलेंस किस प्रकार से चेक करना है, वो अभी तक मैंने आपको बता दी हूँ, ठीक है। चलिए अगर आपको किसी व्यक्ति के पास पैसा सेंड करना होता है तो वो किस प्रकार से सेंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखिए ट्रांसफर मनी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए नीचे काफी सारा ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन नजर आता होगा टू मोबाइल नंबर। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर पर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो टू मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट नंबर से या फिर यूपीआई आईडी पर भेजना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए टू बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी, उस पर आपको टिक मारना है, क्लिक करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड बैंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके उसका जो बैंक अकाउंट का डिटेल होता है वो डाल करके आप उसके पास पैसा भेज सकते हैं। अगर यूपीआई आईडी अगर आपके पास उस पर भेजना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी पर आपको क्लिक करना है, ऐड यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। जो भी आपके पास जिस व्यक्ति का यूपीआई आईडी है जिस पर पैसा भेजना चाहते हैं उसका यूपीआई आईडी यहाँ पे फिलअप करके उसके पास पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई नंबर है तो इस पर क्लिक कीजिए, यूपीआई नंबर यहाँ पर फिलअप करके आप उसके पास पैसा भेज सकते हैं, या फिर स्कैन करके पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ से बैक आइए, सबसे ऊपर में देखिए स्कैन का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन देना है, उसके बाद आपको स्कैन कर लेना है।
जिसके पास भी पैसा भेजना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे जो क्यूआर कोड है आपके पास उसे आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अमाउंट वगैरह आपको फिलअप करने का आ जाएगा ऑप्शन, पैसा वगैरह फिलअप कीजिए, जो भी आपने 6 डिजिट पिन बना करके रखा होगा पिन डालिएगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पैसा आपका चला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पर मैं एक व्यक्ति के पास भेज करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको भी समझ आ सके, लैब प्रूफ में दिखा देता हूँ। तो यहीं पर देखना चाहता हूँ टू मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, और साथ ही साथ जो भी मोबाइल नंबर आपके फोन में सेव होता है उस मोबाइल नंबर यहाँ पे आपके पास हो जाता है। जैसे मेरे केस में देखिए काफी सारा लोगों के यहाँ पे जिसका फोन पे अकाउंट बना है नहीं भी बना है उसका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके पास मोबाइल नंबर है या फिर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही किसी व्यक्ति के पास पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे सिंपल सबको मोबाइल नंबर फिलअप करना है जिस व्यक्ति के पास आप पैसा भेजना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक मोबाइल नंबर मैंने फिलअप किया हूँ, ये मेरा दूसरा ही मोबाइल नंबर है, मैंने मोबाइल नंबर फिलअप किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा नाम ही यहाँ पे शो जा रहा है, चलिए इस पर ही मैं भेज करके दिखा देता हूँ, मेरा दूसरा फोन में है तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में आपका नाम शो हो जाएगा, जिस भी व्यक्ति के पास भेज रहे हैं उसका सबसे पहले नाम शो हो जाएगा। तो नाम से आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है कि सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के पास मैं भेज रहा हूँ उसका नाम है या नहीं, नाम से कंफर्म कीजिएगा, देन उसका मोबाइल नंबर से आपको कंफर्म करना है तभी आपको पैसा भेजना है। अगर आप कंफर्म नहीं कीजिएगा तो दूसरा व्यक्ति के पास पैसा भेज दीजिएगा तो फंस जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे पैसा आपको भेजना है, चलिए मैं यहाँ पे 1 रुपया भेज करके दिखा देता हूँ, 1 मैंने फिलअप किया। उसके बाद यहाँ पे अगर एक ही बैंक अकाउंट नंबर आपका लिंक होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, अगर 2 आपने लिंक किया होगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस बैंक अकाउंट से भेजना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपने 6 डिजिट का पिन आपने यहां पे बना करके रखा होगा उस पिन को यहां पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है, देन आपको सही के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे देखिए आपका जो पेमेंट होता है वो सक्सेसफुल यहां से चला जाता है, देखिए यहां पे पेमेंट भी हो चुका है। यहां पे देखिए ऊपर में नजर आता होगा पेमेंट ऑफ 1 रुपया टू विक्रम कुमार, जो मेरा है उसमें चला गया सक्सेसफुल यहां पर नजर आता होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद डन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, डन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे देखिए फोटो भेजने का भी ऑप्शन आ जाता है, इसके पास स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। चलिए इस फोटो पर आपको क्लिक करना है और यहां से फोटो आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका गैलरी यहां से ओपन हो जाएगा, यहां से जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहां पे देखिए ऑप्शन आ चुका है सेलेक्ट करने का, यहां से आप सेलेक्ट कीजिए और इसके पास भेज दीजिए। तो देखिए ऊपर पैसा भी चला गया और साथ ही साथ यहां पे स्क्रीनशॉट भी चला गया, तो पैसा वगैरह भेजने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको वीडियो जब शुरू कर रहा था तो उसमें बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप भी बताऊंगा, जहां पे मैं आपको बताने वाला था कि बिना किसी प्रकार से फोन पे में इन्वेस्टमेंट किए हुए आप पैसा किस प्रकार से कमा सकते हैं, मैंने किस प्रकार से कमाया वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये मेरा न्यू आईडी, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मेरा दूसरा फोन में फोन पे है, वहां पर मैंने उस एप्लीकेशन के माध्यम से काफी सारा पैसा कमाया था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली फोन पे आपको एक यहां पे सुविधा देता है, जैसे कि मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो उसमें मैं बोला था अगर अभी तक आपने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैंने आपको उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हूं, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके अगर आपने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो मुझे यहां पर 100 रुपया मिल जाएगा फोन के पे के तरफ से। ठीक है, तो सेम है इसी प्रकार से आप भी काम कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है तो आपके जो भी फोन पे का रेफरल लिंक होता है उसे आप अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास, अपने घर में अगर किसी भी व्यक्ति का फोन पे अकाउंट बना रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं उसके पास भेज देना है, उस लिंक पर क्लिक करेगा वो व्यक्ति, उसके बाद उसके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, वहां से अगर आपका लिंक से ही फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने फोन पे अभी तक डाउनलोड नहीं किए होंगे तो मेरा ही लिंक से आप कर लीजिएगा डाउनलोड, ताकि मुझे भी यहाँ पे फायदा हो जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर कीजिएगा तभी आपका फोन पे अकाउंट बन जाएगा, अगर आप मेरा लिंक से डाउनलोड कीजिएगा तभी वही फोन पे अकाउंट ही आपका बनता है। फोन पे अकाउंट में कोई आपका अलग नहीं होता, सेम ही होता है, क्योंकि आपका प्ले स्टोर पर ही आपको रिडायरेक्ट कर देता है, बस मुझे यहाँ पे कुछ फायदा हो जाएगा, मुझे 100 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर देखिए नजर आता होगा एक, देखिए फोन पे वॉलेट का ऑप्शन है, रिवार्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पे रिफर एंड गेट 100 रुपया नजर आ रहा है। कभी कभी इसका प्राइस बढ़ जाता है, कभी कभी 200 भी हो जाता है, कभी कभी 300 भी हो जाता है। मेरा अकाउंट नया है इसलिए यहाँ पे 100 रुपया आ रहा है, तो जब भी आप अपना नया अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपके पास भी 100 रुपया आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका ये अमाउंट बढ़ जाएगा। तो यहीं पर देखिए नजर आता है रिफर एंड गेट 100, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अर्न 100, इसका क्या फंड है सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने अर्न एंड रिफर पर मैंने क्लिक किया तो देखिए आपके पास इस प्रकार से आ चुका। अब यहाँ पे आपका एक
URL जनरेट हो गया, ठीक है। आप इस URL को अपने फ्रेंड के पास, अपने रिलेटिव के पास या फिर किसी व्यक्ति के पास आप भेज सकते हैं। भेजने के लिए सिंपल से यहाँ पे देखिए WhatsApp का ऑप्शन आ जाता है, तो WhatsApp पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका WhatsApp एप्लीकेशन यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। जहां भी भेजना चाहता है, जिस भी व्यक्ति के पास भेजना चाहता है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, सेंड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए फोन पे है, उसके नीचे यहाँ पे देखिए नजर तो एक लिंक नजर आता होगा। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, साथ ही साथ फोन पे अकाउंट वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे सेम एज इसी प्रकार से जब आप उसका फोन पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया हूँ, उसके बाद आपको 100 रुपया वहाँ पे दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक से सेंड करना चाहते हैं, SMS सेंड करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा भी काफी सारा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने फ्रेंड के पास भेज करके आप भी 100 रुपये कमा सकते हैं। यहां पे लिमिट नहीं है, मैं आपको यहां पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं कि 10,000 कमा सकते हैं, 60,000 कमा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप कितना लोगों के पास शेयर करते हैं और कितना लोग आपके लिंक से डाउनलोड करते हैं, उस पर डिपेंड पड़ेगा। चाहे तो आप 100 रुपये भी कमा सकते हैं, चाहे आप 50,000 भी कमा सकते हैं, चाहे आप 0 रुपया भी यहां पे कमा सकते हैं। जितना आप शेयर कीजिएगा उसके अनुसार ही आपका कमाई होने वाला है। तो यही एक बोनस टिप था जो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दी हूं, ठीक है। तो जाते जाते एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे कर लेता हूं, अगर अभी तक आपने फोन पे का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो मेरा ही लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे है क्योंकि मुझे भी यहां पे कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रोसेस के माध्यम से आप खुद से ही अपना फोन पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप बैंक अकाउंट नंबर को ऐड कर सकते हैं, बैलेंस चेक आउट कर सकते हैं, बैलेंस अगर किसी व्यक्ति के पास भेजना होता है, रिसीव करना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दिया सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।